अगर ग्वालियर में सेना की भर्ती में अपना भाग्य आजमाने आए परीक्षार्थी भड़के तो अफरा तफरी मच गई और परीक्षार्थियों के अनुशासन पर सवाल उठने लगे। लेकिन क्या उन लोगों से कोई सवाल ये पूछेगा जिन्होंने बद इंतजामी के साय में पूरा कार्यक्रम तय किया और अपने सुविधा के मुताबिक उसे बदल कर रख दिया। वहीं कलेक्टर ने मामले पर सीईओ जिला पंचायत और आर्मी से रिपोर्ट मांगी। जो युवा ग्वालियर मेला ग्राउंड में पहुंचे थे उनके सामने सपना था सेना के साथ जुड़ने का, वो सेना जो अनुशासन का प्रतीक है। लेकिन इससे पहले कि इन बेरोजगार युवकों में से सेना के लिए चयन शुरू होता, कुछ युवा अनुशासन के दायरे में बंधते उससे पहले ही ग्वालियर में गदर शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि सेना भर्ती में आए सभी लड़कों ने ये उत्पात मचाया, लेकिन उसकी सजा भुगती सभी ने। सेना ने आनन फानन में हाथ खड़े कर दिए और भर्ती रद्द कर दी। जितना भी हादसा है ये बाहर से शुरू हुआ है और ये सुबह रैली शुरू होने के पहले से हो रहा है, तो इसलिए जो ये उपद्रव है ये रैली ग्राउंड के बाहर हो रहा था, अंदर हुआ है ये एक आयोजित तरीके से कुछ किया गया। अंदर से सब जो कैंडिडेट आए थे वो बहुत ही उत्साहित थे, उत्सुक थे और रैली में हिस्सा लेना चाहते थे। प्रशासन अगर वक्त रहते उन छात्रों पर शिकंजा कसता तो शायद भर्ती रद्द करने की नौबत ना आती। लेकिन पुलिस ने भी भीड़ पर कंट्रोल करना तब शुरू किया जब पानी सिर के ऊपर चला गया। वहीं इस पूरे बवाल के लिए जिला प्रशासन अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कलेक्टर ने इस मामले में जिला पंचायत सीईओ और सेना से रिपोर्ट मांगी है जो राज्य सरकार और सेना मुख्यालय को भेजी जाएगी। जब रैली की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी इस दौरान किसी इलेक्ट्रिक वायर, विद्युत वायर से वायर लग कर एक कैंडिडेट की मौत होने की ऐसा कोई वहां पे अफवाह फैलाया गया था। इन तमाम कारणों की वजह से प्रथम दृष्टि प्रतीत होता है वहां पे भीड़ अनियंत्रित हो गया था और साथ ही आर्मी के द्वारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तत्समय स्थगित करने का जो प्रयास किया गया इससे भी प्रभावित होकर संबंधित अभ्यर्थी कैंडिडेट्स के द्वारा इस तरह का उपद्रव किया गया। लेकिन इस बवाल के लिए नए खून के जोश से लबरेज वो युवा भी कम जिम्मेदार नहीं हैं, जिन्हें इसका नुकसान भी हुआ और जो इसके गुनहगार भी हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।